सीता नामक एक औरत ते उस दे नाल एक व्यक्ति नूं बाजार विचों फड़ के थाने लै आंदा ते दावा कीता के ओह फड़ी गई औरत दा पिता है। उसने थाने च गुहार लाई है कि उसकी धी अपने पहले घर वाले नूं छड़ के 3 महीने पहला घरों गायब हो गई सी, जो कि हुण किसी लाभ सिंह नामक व्यक्ति नाल नजायज तौर ते रह रही है, जबकि इसका अपने पहले पति नाल अदालत विच केस चल रहा है। यह पहले पति तो बिना तलाक लै ही दूजा व्याह करवा चुकी है। उक्त व्यक्ति ने दस्या है कि उसकी इस धी दे 3 बच्चे भी ने जिन्हां नूं इह छड आई है। मसला हैगा जी, मेरी बेटी हैगी है सीता कौर, जिहदे सीता कौर लाभ सिंह नाल शादी होई है, 3 बच्चे उहदे, कोर्ट केस चलन रिहा वा, घरों अज 3 महीना लग गया वा। मैं थाना सुल्तानवंड चौंकी च मैं बड़ी रिक्वेस्ट की आ कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्होंने मैं हाथ आण के जोड़े आ बेनती की आ, इन्होंने मेरी कोई गल नहीं सुनी। इन्हों पता भी सी, जिदन मैं रिपोर्ट दर्ज करवाई है मैनू किसी बंदे शक पिया सी, इन्हों मैं रिपोर्ट दर्ज कराई है, इन्होंने को अपना करके कर करा के कोई घाला माला करके इन्होंने मैनू वापस भेज दिता। मसला मैनू जब मुंडे दे शाब जड़े ते शक हैगा सी, वो मुंडा अज मैं फड़िया वा, ना तो नहीं पता, ना तो नहीं पता, नाल अपनी बेटी नू फड़िया वा। मैं पुलिस चौंकी जमा करवाया, पुलिस मैनू धक्के मार मार के बाहर कढ रही आ, कहते कि साढ़े कोई जवाब नहीं हैगा, साढ़े कोई जवाब नहीं हैगा, तुसी तो SSP को अपना जाओ, तुसी SHO को चले जाओ। पहला तलाक नहीं होया जी, अजे हुण फिर उन्हें मैरिज कर लिया जी। अच्छा जी। कानून ना खिलवाड़ की आ, 420 की आ, जो कानूनी कार्रवाई बनती आ वो संगत तो संगत पहला घर वाला मोकमपुर है जी, बिल्ले वाला चौंक मोकमपुरा, वो इस करके नहीं है जी, उन्होंने पता ही नहीं ना, पा शर्म दे मारे आप दसिया वा कुछ हैगा वा जी, वो मेरे कुड़म भी आन के दसनगे, साढ़े को प्रूफ हैगा वा, बचपन का प्रूफ है, मेरे 5 बच्चे से जिन्हों चो मेरे 3 लड़के आ, 2 लड़कियां वा, 1 लड़की बचपन के बच्चे ही 6 2 साल की सी जी पूरी हो गई सी, सीता कौर मेरी लड़की सी, इन्हें बड़ी बार मैं सानू धमकी भी लाने की कोशिश की आ तो मेहरबानी करते हो। हाँ जी, मंग ये करते हैं कि इन्हों सख्त तो सख्त कार्रवाई होवे, तो इन्हों परचा दर्ज हो, जो अपना कानून इन्होंने सजा देगा आप उच्च खुश है। दूजे पासे मामले च उस वेले नवा मोड़ आ गया जदों सीता नामक औरत ने उक्त व्यक्ति के पिता होने के दावे नूं ही गलत दस दिता। उस मुताबिक उसनूं नहीं पता कि उसके असली माँ बाप कौन हैं, जो दावा कर रहे हैं उन्होंने उसनूं सिर्फ गोद लैके पालिया है। औरत ने यह भी आरोप लाए हैं कि उसका पति नशेड़ी किस्म का व्यक्ति सी ते अक्सर उस नाल कुटमार करता रहिंदा सी, जिसके चलते ही उसने एक कदम चुकया ते उसने हुण दूजा व्याह करवा लिया। सुल्तानमंडल जीवन सिंह दी पत्ती दे रहण वाले आ, ते सर मेरे सोहरे घर मैनू तंग करदे ही, इस करके मेरे जिहड़े रियल मेरे मम्मा पापा हैगे इन्हां नूं मैनूं लै के पालिया आ, ते इह वी मैनूं कुटमार करदे ही, ते इस करके मैं अपनी मर्जी दे नाल व्याह कराया। ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਗੋਡਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਕਮਪੁਰ ਸਰ ਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਸਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 5-5-6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਭੀ ਨਭੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਡਰੱਗਸ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਆ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲੀ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ 2007, ਅਤੇ ਸਰ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਘੁਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਸਰ,
मैं उदे नाल रहना चाहुंदी हैगी आ ते इस करके उन्हां नूं कोई भी अभी नबी हो गई जां उन्हां दे घर दे विचों इन्होंने कोई कुछ करता इहदे जिम्मेवार मैं प्रैगनेंट हैगी आ इन्हां ने जे कोई मेरे बच्चे ने भी कुछ कर दिता जां मैनूं करता जां मेरे हस्बैंड नूं जां मेरा दियोर हैगा जां उन्हां नूं कुछ कर दिता इहदे जिम्मेवार इह होणगे सर उन्हां ने मेरे को खोलिया सारा कुछ मेरे फाइल लगी होई है नहीं सर नहीं नहीं हैगी वी मैनूं जे रोक कहिंदे तीन मंजिली मकान होवे तुहानूं बाहर किराए ते रखूगा ते फिर तुसीं की करोगे ना दे कहिंदे मैनूं घर राशन पानी वास्ते दिंदा हैगा आ कुछ नहीं दिंदा भी ड्रग्स वगैरह इन्नी लेंदे शराब इन्नी पीते मोहकमपुरे के शराब बेचते है लाभ सिंह अमरीक सिंह उन्होंने बोतल भी मारिया फिर उन्होंने गोली का ऑर्डर भी होया इस करके फिर कहते ही कि बंदा बहुत खतरनाक है। दूजे पासे जो इस बारे पुलिस नु पुछया गया तां पुलिस अधिकारी ने कहा कि औरत बालग है ते ओह अपने फैसले खुद ले सकती है जिसके चलते पुलिस कोई भी कार्रवाई करने विच असमर्थ है। हाँ जी भाजी की मामला सारा भाजी भाई साहब जी बलबीर सिंह साढ़े इलाके रहा उन्हें अपनी दरखास्त दी सी एक कंप्लेंट की सी कि मेरी लड़की सीता कौर आ जिहड़ी मैरिड सी पहला वो घरों चले गई है जी उस संबंधी अही कुछ बंद शक भी किया जा कि अगवा करके लै गए हैं पर कोई गल सामने नहीं उन्होंने स्टेटमेंट लिखी सी उस टाइम फिर बाद गुमशुदगी इतलाह लिखती सी अही जी तो फिर बाद सीता कौर ने अपनी मदर के घर फोन करके उन्होंने दसिया तो मोबाइल तो अं ट्रेस भी किया ठीक है जी तो बाद अज बलबीर सिंह अपनी बेटी मिल गई इतने सुल्तानवन पिंड के तो लैके थाने आए अं स्टेटमेंट लिखी है सीता कौर की उन्हें कहती मेरी उम्र 26 साल की मैं बालक हाँ जी तो मेरा माँ प्यो मैं तंग परेशान करता है पति पहला भी तंग परेशान करता सी तो मैं गुरसेवक सिंह दूजी मैरिज करा ली है जी कोर्ट केस के कोई नहीं ये चल रहा जी इन्हों का वो कोर्ट के नहीं किया वा वो लाभ सिंह एक्सपार्टी होया हो कोर्ट चार्ज नहीं हो रहा इन्हें डोमैसटिक वायलेंस एक्ट का खर्चे का सब का केस किया हो जवाब दे कोर्ट च लाभ सिंह ने कोई केस किया जी जहाँ लाभ सिंह कोई कंप्लेट करेगा उस संबंधी वाला जवाब देवे माँ प्यो ने इल्जाम लाया कि कुड़ी ने दूसरी मैरिज कराई बच्चे भी छड़ गई अमृतसर तो धर्मवीर गिल खबर।